गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माय सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर ज्योमेट्री जेम सीरीज। आज का क्वेश्चन बहुत इजी है एंड आई एम वेरी श्योर बहुत बच्चों ने कर लिया होगा। हम है ना इसकी दो मेथड देखेंगे, एक शॉर्टकट, ठीक है, कि मतलब काफी क्वेश्चन में जुगाड़ लगा सकते हैं। वी कैन अप्लाई सम शॉर्ट ट्रिक्स, वी कैन अप्लाई सम शॉर्टकट्स, है ना, एंड और एक हम प्रॉपर ज्योमेट्री का सोल्यूशन देखेंगे, राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन यार, अगर आपने IUKM सर्टिफिकेट है आपके पास या आपने लास्ट ईयर इनमो का पेपर लिखा था और प्रीवियस ईयर्स में कभी भी आपने अगर प्री आरएमओ या आरएमओ का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, जल्दी से विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम जल्दी से मुझे अपना ये क्रेडेंशियल्स मेल करो, हम आपको इनमो बैच में एनरोल करेंगे। दैट विल बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन पर्पज यही है कि आपको इनमो क्लियर करवाना है, राइट। एंड अगर आप किसी और ओलंपियाड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड है, जूनियर साइंस ओलंपियाड है, इवन KVPY NTS है, काइंडली फिल अप दिस गूगल फॉर्म vdnt.in/USMaths2, राइट। हमारे कंसर्न पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे एंड दे विल हेल्प यू आउट इन एनरोलिंग इन दीज बैच, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये अपना क्वेश्चन था जिसमें ABCD वॉज अ स्क्वेयर, है ना, एंड दिस CDEF वॉज अ रोम्बस, ठीक है, एंड हमें दिस AEC एंगल फाइंड आउट करना था, राइट। तो पहला थॉट क्या आता है, मतलब लेट्स चेक वेदर द क्वेश्चन इज वैलिड और नॉट। बेसिकली मैं आपको एक शॉर्टकट बताना चाह रहा हूँ, एंड इनफैक्ट IUKM के काफी क्वेश्चंस में जुगाड़ लग जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस में जुगाड़ लग जाते हैं, शॉर्टकट्स लग जाते हैं। जैसे ABCD लेट्स से एक स्क्वायर है, ठीक है, और CD एफ रोम्बस है, तो CD साइड पर तो हम इन्फाइनाइट रोम्बस बना सकते हैं। बेसिकली इस एंगल को हम जितना मर्जी चेंज करते रहे, है ना, अकॉर्डिंगली बाकी सब चीजें फिक्स हो जाएगी, बट ये एंगल को मैं कुछ भी वेरी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इनफिनिट CDEF रोम्बस बना पाऊंगा, राइट, फॉर अ गिवन स्क्वायर ABCD। तो हर सिनेरियो में ये एंगल एक्स सेम रहना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन का कुछ सेंस बनेगा, वरना तो क्वेश्चन शुड बी इनकरेक्ट, राइट, क्वेश्चन शुड बी रॉन्ग, वरना, है ना, मतलब बेसिकली देयर विल बी मेनी आंसर्स। अगर एक्स हमारा चेंज हो रहा है तो वी वॉन्ट बी एबल टू फाइंड दिस पर्टिकुलर एक्स। तो अगर अगर हम क्वेश्चन पे ट्रस्ट करें और हम ये मानकर चलेंगे भैया क्वेश्चन करेक्ट है, राइट, तो दिस एंगल एक्स दैट शुड रिमेन सेम इन ईच एंड एवरी केस, हर रोम्बस के लिए वो सेम रहना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर केस में सॉल्व करने की बजाय मैं एक स्पेशल केस मान लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं लेट से मैं मान लेता हूँ कि भैया CDEF है ना, ये भी एक स्क्वायर ही था, स्क्वायर इज ऑब्वियसली ऑल्सो अ रोम्बस, है ना, तो CDEF भी एक स्क्वायर था। अब मुझे प्रैक्टिकली ई पॉइंट ए हो गया, राइट, एंड प्रैक्टिकली मुझे AEC एंगल फाइंड आउट करना है, That means मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली स्क्वायर का डायंगल वो कितना एंगल सबटेंड करेगा, 45 डिग्री। सी, अब ये DEF, सी का CDEF का एक वो हो गया ना, डायंगल हो गया, CDEF इज अ स्क्वायर मेरी assumption के अकॉर्डिंग, है ना, तो एंगल 45 डिग्री आ जाएगा। तो सिंपली what we can say, अगर क्वेश्चन सही है ना तो आंसर शुड बी 45 डिग्री, अगर क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो हमने जुगाड़ से ये निकाल लिया। अब ऑब्वियसली इसमें मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आंसर बेसिकली क्वेश्चन इज करेक्ट, है ना, एंड आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि देर देर विल बी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज फॉर रोम्बस CDEF। तो इफ एंगल एक्स इज इफ देर कैन बी एनी आंसर एंगल एक्स, देन दैट मीन्स इन ईच एंड एवरी सीनेरियो ऑफ दिस रोम्बस CDEF एक्स शुड रिमेन सेम। तो हर सीनेरियो कंसिडर करने के बजाय मैंने एक स्पेशल सीनेरियो कंसिडर कर लिया। तो ये तो एक जुगाड़ वाला सॉल्यूशन था, ठीक है। अब लेट्स सी एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से है ना इसको थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। अब AD और DE ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, बिकॉज स्क्वायर था और CD, मतलब ये सारी साइड्स इक्वल है, AB, BC, CD, AD स्क्वायर की वजह से एंड CDEF रोम्बस की वजह से, तो दिस शुड ऑल्सो बी थीटा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, लेट्स से मैं AC को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, तो AC एक डायगनल था, तो पूरा एंगल ACD पूरा एंगल 45 डिग्री होता, एंगल ACD, है ना, ये जस्ट सिंपल है ना, एंगल चेजिंग से हो जाएगा, ACD 45 डिग्री होता, तो इस एंगल को मैं बोल सकता हूँ दैट शुड बी 45 माइनस व्हाट थीटा, दिस शुड बी 45, है ना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जो रोम्बस होता है, ठीक है, रोम्बस का, कोई भी रोम्बस की अगर मैं बात करूं, डायगनल एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, एंड इनफैक्ट ये वाला एंगल इसके इक्वल रहेगा, है ना, इनफैक्ट ये दोनों साइड्स इक्वल ही होती है, तो क्लियरली DE और CD इक्वल है, तो ये पूरा एंगल शुड बी इक्वल टू ये पूरा एंगल, मतलब दिस एंगल शुड बी x प्लस थीटा, है ना। तो अब अगर मैं बात करता हूँ ACE ट्राइंगल की, इसमें सम ऑफ एंगल शुड बी 180, ठीक है,
ट्रायंगल एसीई में, है ना, तो क्या बनता है वो 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस एक्स प्लस थीटा प्लस एक्स, दिस शुड बी हाउ मच 180 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये थीटा थीटा है ना कैंसिल हो गया, तो मतलब थीटा जो मर्जी हो उसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन करेक्ट, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता। अगर क्वेश्चन थीटा पे डिपेंडेंट होता देन ऑब्वियसली एक्स का अलग अलग वैल्यूज आ पाता, तो ये क्वेश्चन बनता ही ना। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन में है ना, मतलब इनफेक्ट आईओक्यू में देखो प्लस पॉइंट क्या है, आईओक्यू में यू डू नॉट नीड टू प्रूव द क्वेश्चन, ठीक है, यू डू नॉट नीड टू सबमिट द सॉल्यूशन, ऑल यू नीड इज जस्ट टू फाइंड करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, जैसे मर्जी करो, चाहे वो शॉर्टकट लगाओ, जुगाड़ लगाओ। ठीक है, तो हमने पहले वाले सॉल्यूशन में बेसिकली एक क्वेश्चन पे ट्रस्ट करते हुए कि क्वेश्चन ठीक है भाई, है ना, इस अजम्पशन के साथ हमने शॉर्टकट लगा दिया। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्लियरली क्या आ रहा है, 2x comes out to be 90 degree, that simply means कि भैया x कितना हो गया आपका 45 degree, which has to be true, है ना, if the question is correct। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 45 degree and that is very 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 simple, simple angle chasing का क्वेश्चन था and this angle x that comes out to be 45 degree। ठीक है, तो आई होप आज के ज्योमेट्री जब में आपको मजा आया होगा। इंटरेस्ट में यार, मतलब आईओक्यू में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे निकल आते हैं जिनको एक्चुअली में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, है ना, वेरियस, और इनफेक्ट जब भी ऐसा जनरल क्वेश्चन आए ना, वेन एवर देर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड सम स्पेशल केस, है ना, स्पेशल केस के लिए निकाल दो, दैट शुड बी वैलिड फॉर ईच एंड एवरी सिनेरियो। एंड इनफेक्ट ये वाली अप्रोच है ना काफी बार आरएमओ और इनमो में भी हेल्प कर देती है, क्योंकि ऑल दो मतलब दिस जो हमारे ये वाला पहले वाला सॉल्यूशन था शॉर्टकट, ये आरएमओ और इनमो में एक्सेप्टेबल नहीं है, यू मोस्ट लाइकली यू विल गेट जीरो मार्क्स, है ना, बट फायदा क्या होता है, हमें आंसर पता लग जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इस अप्रोच से, इसमें मेरे को कितना टाइम लगेगा, हार्डली 15-20 seconds, तो मेरे पास आंसर आ गया, है ना। अब काफी बार क्या होता है, अगर आपके पास आंसर है देन यू कैन बिल्ड अप अप्रोच, तो आंसर मिलने के बाद है ना अप्रोच समझ में आ जाता है कि यार अच्छा इस तरीके से सोचा जा सकता है, राइट। So at times this approach is very 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 helpful, right bhai? So see you in the next lecture. Next lecture mein hum ek naya different geometry gem discuss karenge, right? So see you in the next lecture. Till then please take a very good care of yourself. Thank you, bye bye.